एक बार सभी बच्चे लाइव हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी इंडिया आज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। ध्यान रखिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम का टाइमिंग जो है मैं दो टाइम कर दिया हूँ, एक तो 7 PM और दूसरा सेशन जो होता है 11 PM। तो दोनों ही सेशन रेगुलर बेसिस पे अटेंड किया कीजिए, 7 PM और 11 PM पे, ठीक है। और इसके अलावा कल जो कॉम्बैट सीरीज होगा उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसके लिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आपको कॉम्बैट सीरीज पे क्लिक करना है। जैसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और जब भी आप इंस्टॉल कर ले तो जो कोड पूछे तो ये कोड डालिएगा कॉम्बैट सीरीज में, PRABHASH। उसमें प्राइजेस भी हैं, तीन सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। 1 आवर का टेस्ट होगा, अगर आप उसमें टॉप 100 में आते हैं तो आपके लिए प्राइजेस भी हैं। तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई बिन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। व्हाट यू विल गेट, डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक तो सारे सब्जेक्ट के क्लास चॉइसेस आपका, आप कौन सा सा टीचर से पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को, जो भी सिलेबस है सेशन बेस्ड, आपको टीचर आपको MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। लाइव टेस्ट और क्विज़ जितना देंगे उतना बेहतर होगा एग्जाम के लिए, साथ के साथ मॉक टेस्ट लगाइए। फायदा ये होगा कि जब रेगुलर बेसिस पर टेस्ट एंड क्विज़ देंगे, एक तो आपका रिविजन होता जाएगा, रिविजन से क्या होगा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट घटेगा कि कैसे कोई क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर सकें, तो ये सब सारे फायदे होंगे जब आप रेगुलर बेसिस पर देंगे। दूसरा, आपका जो रिविजन है तो रिविजन से ही क्लू लगता है कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं, जो रिविजन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास किसी भी सेशन को अनलिमिटेड टाइम। अनु जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये सब सारे प्लस पॉइंट है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप 4 PM का स्पेशल सेशन फ्री में देख पाएंगे, ठीक है। 4 PM स्पेशल सेशन, और जब भी स्पेशल सेशन देखें उसके लिए मैं बता दूँ कि आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें गोल जाकर के सेलेक्ट करना है बैंक, और बैंक जब गोल सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि जाकर के प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, यही कोड अप्लाई कीजिएगा जब आप क्लास लेते हैं तो, ठीक है। तो फ्री में क्लास एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो ये होगा कि जो भी क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आता है या एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ पे साझा किया जाता है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो ध्यान रखिए कि कितने मंथ का ले रहे हैं। जो बेस्ट ऑप्शन होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो है 12 से 24 मंथ, क्योंकि साल दो साल का टाइम आपको देना पड़ेगा तब जाकर के आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे फायदे हैं। कोर्स ये जो फी देख रहे हैं ये तब इतना लगेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट करके ये फी है, ठीक है। 6 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसको नो कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब कोई ब्याज चार्ज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री ओवरटूक जर्मनी विथ वर्ल्ड लार्जेस्ट करेंट अकाउंट सरप्लस, अ सर्वे बाय द इन्फो इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाते के अधिशेष के साथ जर्मनी किस देश के से आगे निकल गया। चाइना, इंडिया, यूएसए, यूके। क्वेश्चन और पहला का आंसर बताइए। और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज सारा क्वेश्चन बनाइएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अनु, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए, क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर बताइए। क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। बाकी आप लोग को मालूम ही है चाइना के कौन है, जिनपिंग। यूएसए का कौन है, जोए बाइडन। कौन से पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से। यूके का कौन है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जर्मनी का नाम है तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वॉल्टर, फ्रैंक वॉल्टर। और दूसरा याद रखिएगा, जर्मनी का वाइस चांसलर एंजेला मर्कल, एंजेला मर्कल। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। Who is the director of the film Into the Darkness, which won the Golden Peacock Award at 51st edition of International Film Festival of India?
क्वेश्चन नंबर सेकंड कहां से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनु जी का भी चाइना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण। तो ये याद रखिएगा, एडिशन भी एग्जाम में पूछता है, ये कौन सा वह एडिशन है किसका, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए बच्चों। अनु का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है, एंडर्स रेफन इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज रिलीज रिपोर्ट टाइटल एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क, नाटो, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए, छठा का आंसर, छठा का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए, अच्छा ये बताओ डायरेक्टर जनरल कौन है नाटो का, तो ये भी याद रखिएगा, हंस वॉर्नर वियरमैन कौन है नाटो का। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट भी, एंटोनियो गुटेरेस। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ऋषिकेश का WTO है, अनुजी का यूनाइटेड नेशन है, बाकी बच्चे भी बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है ये बताइएगा, अभी हाल ही में रोबोटो अजीवेदो को किसने रिप्लेस किया ये बताइएगा। OECD का ध्यान रखिएगा, कहां पे हेडक्वार्टर है, पेरिस में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंडियन रेलवे विच जोन हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। लेडी है वो तो मुझे भी मालूम है, नाम बताइए, इसीलिए मैंने पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम करंट का क्वेश्चन है। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, लेडी का नाम आपने तो बिल्कुल सही बताया, नाम बताइएगा, नोगोजी ओकोंजो, समझे, ये याद रखिएगा, नोगोजी ओकोंजो, ये इंपॉर्टेंट नाम है और पर्सनैलिटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अनु का आंसर बिल्कुल सही है, चौथा को बताओ, इंडियन रेलवे विच जोन है सेट अप अ न्यू रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क, नेम वासुकी, चौथा का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऋषिकेश का आंसर है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ओके अनु, बाकी बच्चे भी दीजिए प्लीज, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और आप लोग शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चौथा का आंसर क्या होगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे, पांचवा बनाइए। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द थर्ड एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश विच हैज बीन ग्रांटेड द लाइसेंस टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कुशीनगर, अलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर बताइए,
इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो ये चीज़ याद रखिएगा, डोंट नो कोई बात नहीं है। अच्छा ये याद रखिएगा, ये तो हो जाएगा कुशीनागर एयरपोर्ट, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो वहाँ पे है एक है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये भी स्टेटस है इंटरनेशनल के लिए, कहाँ पे, लखनऊ में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे, वाराणसी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यूपी अभी बहुत सारी चीजों के लिए यूज, एक विरासत स्कीम है किसके लिए, लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट, और 16 डिजिट यूनिकोड लैंड होल्डिंग से, ठीक है। और वाराणसी का नाम आया तो याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे खुला, ठीक है। और पहला फर्स्ट हेल्थ एटीएम यूपी के किस शहर में खुला, ये भी बताइएगा, छठा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, और आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी मित्र हैं आप लोग के साथ, ठीक है। सेम इसी चैनल पे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे रात 11 बजे भी क्लास होगा, और 8:40 पे, 8:40 पे, आज ही 8:40 पे शार्प स्पेशल क्लास होगा अनअकैडमी के ऐप पे। तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है, और स्पेशल क्लास पे क्लिक करिएगा, बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसमें प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, लाइव हो जाएगा। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद IFAB टू सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर इन द स्टेट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर्स इंटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो बच्चों, और प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सातवां बताइए, इन फरवरी 2021 यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन विच यूनियन टेरिटरी, इज इट दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, इन फरवरी 2021 यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन विच यूनियन टेरिटरी, इज इट दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि पुडुचेरी का गवर्नर चेंज हो गया, अब किरण बेदी नहीं होकर के कौन है, तमिलई से ही सौंदरराजन, तमिलई से ही सौंदरराजन, और यही गवर्नर के यहाँ के हैं तेलंगाना का, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और लद्दाख का मालूम ही आके माथुर, चंडीगढ़ का भी आप लोगों को मालूम ही है कौन है, वीपी सिंह बदनोरे, दिल्ली का मालूम है अनिल बैजल। सातवां क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो, रावत जी का 7th का डी, सातवां का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, पुडुचेरी इज द राइट आंसर। आठवां, द नेशन अर्बन डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च बाय यूनियन हाउस इन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अलोंग विथ हुम। आठवां का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8th का, क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर बताइए, ऋषिकेश, अनु, रावत, नेहा, सारे बच्चे आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर। पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, बताइए क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन रावत जी का 8 का आंसर आ रहा है ए, बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर क्या हो जाएगा, बी, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, क्या होगा, रविशंकर प्रसाद। 9th बनेगी, हेडक्वार्टर ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9,
नौवां कौन सा बता दो। हाँ प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है बताइए। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी था, इसके प्रेसिडेंट कौन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ, तो ये भी याद रखिएगा, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। और अगर ये पूछ ले इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी याद रखेंगे, लाउसने स्विट्जरलैंड में। ठीक है ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बता दो, सॉरी नाइन्थ का आंसर बताइए। आंसर है न्यू दिल्ली। अनु का आंसर सही है, रावत जी का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर टेंथ बनाओ, ऋषिकेश आप क्यों नहीं बता रहे बताइए। और 8:40 में जो स्पेशल सेशन है उसमें भी आप लोग लाइव हो जाए, 8:40 पे स्पेशल सेशन होगा अनअकैडमी के ऐप पे। इसके लिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गोल में बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइव हो जाएगा 8:40 पे। वैसे डेली स्पेशल सेशन 4 PM पे होता है, तो उसमें भी आया कीजिए। रावत जी आप भी रेगुलर आया कीजिए, अनु आप भी आ जाइएगा, ठीक है। विच इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्ड 8.9% स्टेक इन पैसालो डिजिटल इन दिसंबर 2020। क्वेश्चन IRDA चीफ बताओ कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार नहीं कम से कम 10 बार बताया हूं आया, तो ये बताओ आप IRDA के चेयरमैन कौन है बच्चों। हेडक्वार्टर भी बता रखा है हैदराबाद में। अब कौन है इसका चेयरमैन, सुभाष चंद्र खुंतिया। सुभाष चंद्र खुंतिया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस। 11वां बताइए, व्हेन इज नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया। 11वां बताओ क्वेश्चन नंबर 11th। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, 11th का आंसर बताओ, 11वां का। 24 दिसंबर, रावत जी का। बाकी बच्चे बताइए 11th का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर याद रखिए, दिसंबर 24। हु लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड स्वच्छता अभियान टू आइडेंटिफाई जियो टैग इंसेनेटरी लेटरिंस एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स। जयराम रमेश, अमित शाह, पीयूष गोयल और थवरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बता दो, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देना और शेयर जरूर किया करो एटलीस्ट। कल मैंने बहुत सारे फेमस बुक बताए थे जयराम रमेश का, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों का मैंने बताया था। 25 दिसंबर, ये कह रहा था है। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड ये 25 दिसंबर को ही होता है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। कल मैंने बहुत सारे बुक लिखाए थे जयराम रमेश के, ठीक
याद भी होगा आप लोगों को, चेकर्ड ब्रिलियंस, सुना है कि नहीं सुना है? इंदिरा गांधी पे भी उन्होंने बुक लिखा था, लाइफ इन नेचर। बारवा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थवर चंद गहलोत। चलो तेरा, फॉर विच कंट्री इंडिया अनाउंस अ न्यू फेज ऑफ ओवर 100 हाई कमीशन। मैं डेली का शेड्यूल बता देता हूँ, दो सेशन इसी चैनल पर ले रहा हूँ, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ये यूट्यूब चैनल पे, एक तो 7 बजे और दूसरा रात के 11 बजे, क्लियर है? दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, वो भी याद रखिएगा, 7 PM और 11 PM तो याद रखिएगा ही। दूसरा है स्पेशल सेशन, ये अनअकैडमी के ऐप पे होता है, ये भी सेशन बिल्कुल फ्री है, ये 4 PM पे, तो आज तो लिया ही था 4 PM पे। दूसरा मैं आज सिर्फ आज के लिए एक सेशन ले रहा हूँ 8:40 PM पे, 8:40 PM पे, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ, 13th। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। क्वेश्चन मालदीव्स प्रेसिडेंट, ये तो सब लिखा था, मालदीव्स का कौन है, इंडोनेशिया का कौन है, कौन है? इब्राहिम सोली, कल किसी बच्चे ने बताया भी था। और जोको विदोदो किसका? इंडोनेशिया का, जोको विदोदो है। ये सब याद रखना। भूटान प्रेसिडेंट और अशरफ गानी किसका भाई? अफगानिस्तान का, ठीक है। तो लोतोई थेसरिंग, ये याद रखिए, प्रेसिडेंट है कहाँ के? भूटान के। अब 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल द लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ लेट फुटबॉल लेजेंड डिएगो मैराडोना बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर? चौदह का आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट रावत नेहा अनु, सारे बच्चे क्लास रेगुलर लिया कीजिए, ठीक है, और 4 PM का स्पेशल सेशन तो हमेशा लिया करो, मिस बिल्कुल ना करें, यूट्यूब भी लें और स्पेशल सेशन भी लिया करें। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल द लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ लेट फुटबॉल लेजेंड डिएगो मैराडोना बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर? क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का आंसर बताइए। उड़ीसा, गोवा, केरला, तेलंगाना, 14 का आंसर बता दो, 14 का याद रखिएगा, गोवा, ठीक है। और फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क भी यहीं पे, फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क भी कहाँ पे बन रहा है? गोवा में, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। केरला में क्या है? फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक, यहीं पे फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब याद रखिए। आज 14 का आंसर हो गया। अभी 15 बनाओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 बनाए, क्वेश्चन नंबर 15। रावत जी का 15 का आ रहा है। विकेश राजस्वत, अनु आप भी आंसर दो। वे डिड यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इनोग्रेटेड? ₹107.83 करोड़ मेगा फूड पार्क, हिसार, फगवाड़ा, सूरत, भरूच। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ, 16। सोलवा का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? अखबार। 17वां, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सुरक्षा अभियान टू सैनिटाइज सेंसिटाइज पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक एंड ऑल्सो टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक टीबी, लेप्रोसी, शुगर, ब्लड प्रेशर? गोवा, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश। 18वां, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द्वारे द्वारे सरकार और गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप इनिशिएटिव? अठारवां बनाई। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द्वारे द्वारे सरकार और गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप इनिशिएटिव? 18वां का आंसर बताइए। आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। 19, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मच अमाउंट इन NIIF डेट प्लेटफॉर्म स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? Who is the head of National Investment Infrastructure Fund? बताइए, National Investment Infrastructure Fund के कौन है हेड अभी? CEO कौन है? बताओ। Chief Executive Officer of National Investment Infrastructure Fund. बताओ। आंसर हो गया 6000 करोड़, और इसका याद रखना सुजोई बोस। कोई बात नहीं, सुजोई बोस याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये मालूम है? मुंबई, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 2015 में ही गठन हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, ठीक है। बीसवां बनाइए, महर्षि नवंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील कम्युनिटी ऑफ 100 कॉइन ऑफ फाइनेंशियल फाउंडेशन डे ऑफ विच यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर बता दो।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ट्वेंटी का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिचुएटेड। इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिचुएटेड दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 21। राकेश शर्मा का लखनऊ था, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिए। हु इज द हेड ऑफ इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बता सकते हैं? जो भी लिखवा रहा हूं प्लीज वो सब लिख लीजिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। दुबई, लंदन, वेलिंगटन, रियाद। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? दुबई, इन 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट? ये सब मालूम होना चाहिए आप लोगों को। जैसे बीसीसीआई का आप लोगों को मालूम होता है सेक्रेटरी कौन है, जे शाह, अमित शाह के बेटे प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली, वैसे ही आईसीसी, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मुझे लग रहा था कि तुरंत दे दोगे तुम लोग। ग्रेग बार्कले, ठीक है। बिल्कुल, राकेश जी का आंसर सही है, रावत जी का भी आंसर सही है। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज दैट विल प्रोवाइड अलर्ट्स फॉर फ्लैश फ्लड 6 24 आवर्स इन एडवांस वॉज लॉन्च एट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमडी, बताइए। बिल्कुल सही, न्यू दिल्ली। और आईएमडी के हेड कौन है वो भी लिख लीजिएगा। मृत्युंजय महापात्रा। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कौन है? त्रिलोचन। त्रिलोचन महापात्रा, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। बिल्कुल सही है रावत जी का। बिल्कुल सही, राकेश जी का। रिसेंटली विच फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड ऑथर ऑफ चोलास हिस्ट्री बुक पास्ट अवे? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर बता दो। और सेशन को लाइक जरूर कर देना, अगर कर दियो तो ठीक है, नहीं किया तो एक बार शेयर भी कर दिया करो। और जो नेक्स्ट सेशन होगा स्पेशल सेशन अन अकेडमी ऐप पे, जो बिल्कुल फ्री है, उसका टाइम याद रखना 8:40। और इसी सेम प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे जो दूसरा सेशन होगा वो रात के 11 बजे होगा। तो जो सेशन अभी आप देख रहे हैं किस चैनल पे, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, तो एक तो 11 बजे रात में और दूसरा जो अभी आप देख रहे हैं 7 PM पे। और मैंने बोला रात में 8:40 पे अन अकेडमी के ऐप पे होगा स्पेशल सेशन, वो भी देखा कीजिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेंकट रमन। रिसेंटली महेश कनोडिया पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड?
राकेश जी आप भी रेगुलर आइए, ध्यान रखिएगा 48 में जो सेशन होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए स्पेशल। उसके लिए बस आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, गोल में जाकर के बैंक और लाइव हो जाना है। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द फिक्सर? राकेश सिन्हा, सिमन सिंह, महिमा चतुर्वेदी, सुमन दुबे। छब्बीस बताइए। रावत जी का 26 का आ रहा है बी, आंसर हो जाएगा सुमन दुबे। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स ऑब्जर्व? अक्टूबर 25, अक्टूबर 24, अक्टूबर 26, अक्टूबर 27। आंसर याद रखिए अक्टूबर 24। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछ रहा है, अब इसे फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन में है, आईएमएफ का भी, मीका का भी, आईजीएसआईडी का भी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसके अलावा आईडीए, आईएफसी, ठीक है, और बायो का भी। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है अभी? डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है, बिल्कुल सही, वॉशिंगटन। और अगर ऐसे ही मुझ पूछ लूँ आईएमएफ का कौन है? क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जोविया, ये भी याद रख लीजिएगा। कैपिटल ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल प्रेसिडेंट, उनतीस का आंसर क्या हो जाएगा? लिस्बोन। थर्टी वन है, हाउ मच लोन अमाउंट डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट इन राजस्थान मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ, बिल्कुल सही राव जी का, बिलो 200 साल, इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट यही है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ, 30। राकेश का 510 मिलियन है, बाकी बच्चे बताओ, और प्लीज शेयर कर दो कि दूसरे बच्चे भी आए, ठीक है। मैं बीच में जो क्लास नहीं ले रहा था, बहुत सारे बच्चे टूटे हैं, तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए कि दूसरे बच्चे भी आ जाएं। 30 का आंसर हो गया ए, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन है हेड, वो भी याद रखिएगा, मशात शुगु अशाकावा। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो भी याद रखिएगा, अभी आप ही कंट्री के बने, अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस, मनीला, ये भी याद रखे, बिल्कुल सही। राकेश का भी आंसर सही है, अशोक। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी जरूर देखना आप लोग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31 बनाओ, 31। विच डेट द हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक अंडर विच री कंफर्मेशन ऑफ की डिटेल्स मे बी नीडेड फॉर पेमेंट बियॉन्ड ₹50,000? क्वेश्चन नंबर 31, 31 का आंसर बता दो।
क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1, 2021। क्वेश्चन विच सिटी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच विल क्रिएट वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड्स टू चार्ज एंड पावर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बता दो। 32। बिल्कुल सही है, तेल अवीव इजराइल। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। बताइए, राकेश रावत शर्मा बताइए कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, वो भी याद रखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? बताइए इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल डॉट जी का आंसर सही है। हाँ बिल्कुल अंकल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ, ये भी याद रख लेना, रूबिन रिवलिन। डॉट का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेलेक्टेड रेगटेक फॉर्म सिंजी इन अ बिड टू डिजिटाइज इट्स कस्टमर वेरिफिकेशन थ्रू वीडियो केवाईसी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, और प्लीज आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए अपने ग्रुप में। 33 का आंसर बताओ। 33। तैतीस का आंसर बताइए राकेश डॉट डॉट जी, आपका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। 34 बने, विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री? चौंतीस का आंसर क्या हो जाएगा? टेक महिंद्रा। ठीक है, पैंतीस, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पोर्टल फॉर एनआरआई नेम्ड एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल टू हेल्प ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टेक अलोंग विथ असिस्टेंस दोज सीकिंग जॉब्स अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 35। 35 रावत जी 34 पे हैं, 35 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा और मध्य प्रदेश। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। 35, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 36 बनाए, क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन इंस्टीट्यूट अलोंग विद स्टुअर्ट गार्ड यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ मेथड टू डिस्पोज फार्मा वेस्ट? क्वेश्चन नंबर 36, आईटी बॉम्बे, आईटी खड़गपुर, आईटी रुड़की और आईटी मद्रास। आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी मद्रास। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू डिप्लॉय सैटेलाइट डेटा टू एसेस फार्मर लोन्स? यस बैंक, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। जल्दी जल्दी बताओ। सैंतीस का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 37,
यस बैंक का कौन है? प्रशांत कुमार। आईडीएफसी का कौन है? वी वैद्यनाथन सीईओ। ये सब भी याद रखिएगा। आईसीआईसी का संदीप बख्शी। एचडीएफसी का शशिधर जगदीशन। आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। डॉट का आंसर सही आ गया शर्मा जी का बी। रावत जी आप क्यों नहीं आंसर दे रहे? रावत जी का भी आंसर सही है। ठीक है दे चुके हैं। 38 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटर इनटू अलायंस विद गोल्स 101.ai टू पे टारगेटेड एंड पर्सनलाइज ऑफर्स फॉर बैंक कार्ड होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? डी मास्टर कार्ड। इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एनसी ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 39 कौन है? सत्यनारायण गोल। और प्लीज नेक्स्ट सेशन जो होगा 48 पे उस पर भी आप लोग लाइव हो जाइएगा। 40 पे इस पे स्पेशल सेशन पे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके लाइव हो जाइएगा। और इसी सेम चैनल पे 11 बजे रात में भी क्लास होगा। कोनिका कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? गोल्फ बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल। कोनिका बताओ क्वेश्चन ऑफ 40। और कल कॉम्बैट सीरीज में भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके। आपको करना है कॉम्बैट सीरीज पे क्लिक करना है। एक पासवर्ड पूछेगा तो यही को पासवर्ड डाल दीजिएगा PRABHASH। 40 का आंसर हो जाएगा डी फुटबॉल। तो आज के लिए इतना ही था। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम जिस पे अभी आप क्लास ले रहे हैं, एक तो सेशन इस पे 7 PM और दूसरा 11 PM। डेली मैं 4 PM पे स्पेशल सेशन लेता हूँ, तो आज तो 4 PM पे भी लिया हूँ और दूसरा जो सेशन है स्पेशल वो 8:40 PM पे भी होगा। तो ये सेशन भी जरूर कीजिएगा। ठीक है 50 मिनट के बाद होगा तो वो सेशन भी आप लोग आ जाइएगा, लाइव कीजिएगा। और जब भी सब्सक्रिप्शन है तो इस कोड का यूज कीजिए। कॉम्बैट सीरीज 14 डेज पे होता है, संडे को कल है, उसमें जैसे ही पार्टिसिपेट करें तो इसी कोड का यूज करें। ठीक है तो आज के लिए इतना ही है। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।